हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इफ़ ए सी टी एक्ट इज कोडेड एज डी एफ डब्ल्यू देन बी ए डी बैड विल बी कोडेड एज। मतलब ये है कि ए सी टी इसको कोड किया गया है डी एफ डब्ल्यू के रूप में, तो बी ए डी को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए के लिए डी लिया गया है, डी जो है वो ए के तीन लेटर के बाद आता है, ठीक है, यानी बी सी डी। उसी तरह सी तीन लेटर के बाद आता है, सी के तीन लेटर के बाद एफ, और उसी तरह टी के तीन लेटर के बाद आता है डब्लू, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो बी के तीन लेटर के बाद क्या आता है, सी डी ई, ठीक है। उसके बाद ए के तीन लेटर के बाद क्या आता है, बी सी डी, और डी के तीन लेटर के बाद क्या आता है, ई एफ जी। तो हम इसको कोडिंग करेंगे ई डी जी के रूप में, यानी बैड को हम लोग कोडिंग करेंगे ई डी जी के रूप में, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा जा रहा है, इफ़ एच जे एस एम मीन्स गर्ल देन सी पी जेड टी मीन्स। मतलब यह है कि एच जे एस एम का मतलब है गर्ल, तो सी पी जेड टी का मतलब क्या होगा। एच से ठीक पहले आता है जी, जे से ठीक पहले आता है आई, और एस से ठीक पहले आता है आर, और एम से ठीक पहले आता है एल, तो जी आई आर एल गर्ल हो गया, यानी एच जे एस एम मीन्स गर्ल हो गया। उसी तरह सी से जस्ट पहले क्या आता है, कौन सा लेटर है, बी, पी से पहले कौन लेटर आता है, ओ, जेड से पहले कौन लेटर आता है, वाई, और टी से पहले कौन लेटर आता है, एस, तो बी ओ वाई एस बॉयज़, यानी सी पी जेड टी का मतलब है बॉयज़, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन अ पार्टिकुलर कोड, एक खास तरह के कोड में, इफ़ एफ ई एल ए एन पी आर डी आई इज़ कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन एल ई ए पी लीप विल बी कोडेड एज। तो एक ख़ास तरह के कोड में ये जो एफ ई एल ए एन पी आर डी आई है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी तरह एल ई ए पी लीप को किस तरह कोड किया जाएगा ये हम लोगों को पता करना है। तो आप देखिए कि एफ ई एल ए एन पी आर डी आई, ठीक है, तो इसको किस तरह से कोड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग को लीप को कोड करना है, एल ई ए पी को, ठीक है। तो एल देखिए कौन से नंबर पे है, तो एल के लिए 3 इसने कोड किया है, तो हम लेंगे 3। ई के लिए 2, यानी ई को 2 से कोड किया गया, तो 2। ए को 4 से कोड किया गया तो 4, और पी को 6 से कोड किया गया है तो 6। तो लीप को हम लोग कोडिंग करेंगे किस तरह से, 3 2 4 6, इसका मतलब है ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।